गाइस ये अभी हम ना भाई आवाज आप ऐसा करो कि तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ना हम किधर जा रहे हैं। मुझे तो भी याद आया मेरा तो यूट्यूब चैनल भी है। मैं चलो वीडियो बना लो। वैसे ये सड़क तो सारी खराब है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जा रहा हूँ आज अपने जमीनों की तरफ निकला था तो मैं पहले मुझे याद ही भूल गया था कि मेरा यूट्यूब चैनल वो तो अचानक भाई ने याद करवाया तो मुझे याद आया। तो अब बस हम तो तकरीबन सारे सफर तय कर रहे हैं। अभी मुझे याद आया मेरा तो यूट्यूब चैनल था तो अब मैंने वीडियो स्टार्ट किया, वो अपना व्लॉग स्टार्ट किया है तो इंशाल्लाह अब चढ़ता रहेगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बाइक का सड़क का व्यू, देखिए आप ये देखें। ये सड़क पहले भी ऐसी थी और अब भी ऐसी ही है लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है भाई। ये भी कुछ पानी क्या है, डिपो है। डिपो क्या? पेट्रोल पंप। पेट्रोल डिपो है। रोड बंद है। ये बंद है। ये तो इंडो का बैठा नहीं है। नहीं हो भाई ये देखें कुछ बंद है, बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, वो चेक करें उसका साथ। हवेली इधर किसने यहाँ पे हवेली नहीं है, फैक्ट्री बन रही है। किस चीज की पता नहीं, किसकी बन रही है पता लग जाएगा। वो बड़ा सेटअप है भाई ये अगले फ्यू इयर्स, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने और सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया गलती से कि बागपतन को मोटरवे देनी है, वो जो आगे निकलेगी बहावलपुर ना, तो ये कसूर से स्टार्ट होगी। ये रक्षे वाला आगे लग चुका है, इसने तो चलना है बहुत तेज तेज और हमने शुक्र है रास्ता मिल गया। ये आटे की है ना फ्लोर मिल, ये आटे की फ्लोर मिल है। देखिए यहाँ यहाँ पे ये पहले नहीं थी, ये रोड खाली था इधर से। नहीं आप जब गए उसके बाद हुआ है, अब आफ्टर 4 ईयर्स के बाद आए हो यार। तो पाक पतन के पास आर्मी है, इधर ये मोटरवे तो नहीं बना रहे। नहीं 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 रोड डबल कर रहे हैं। पाक पतन के पास आके सड़क गिरनी है और जो वो सड़क गिरेगी ना जब पाक पतन के पास आके, तो और यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल जोन फ्री दे दिया। हाँ हाँ यहाँ पे जितने अटक का डिपो बन गया, ये दूसरा डिपो भी आपने देखा, तो यहाँ पे अहमद वालों की फैक्ट्री देख के आया, फिर आप भूल गए थे आगे फौजी वालों एंग्रो ऑलपर का ब्रांड जो तो भी याद आया है। अंदर सबसे ज्यादा दूर ट्रांसफर करता है, चले उसे वापसी में आप लोगों को दिखा दी, अपने प्यार करने वालों को दिखा दीजिएगा। आपको पता है मेरे सब्सक्राइबर कितने हो गए हैं? मुझे पता लगा कि आपके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप अपने चाहने वालों को भी मिस ना किया करें ना, मॉर्निंग में उनको पहले मॉर्निंग किया करें उनके साथ, उनकी मॉर्निंग मुझे अचानक तो याद आता है कि आज का व्यू आज क्या है, आप दिन में आप क्या खा रहे हैं, उनसे सजेशन लिया करें, उन्हें बताया करें। भाई मैं डाइट करता हूं। ओके नहीं मतलब ये तो आपका अपना है ना थिंकिंग, आगे उनसे भी पूछा करें ना। ये अहमद वालों की है फैक्ट्री, फ्रोजन फूड जाती है जो अहमद की ना पाकिस्तान मतलब यहाँ से ओवरसीज में, फ्रोजन ओवरसीज में भी और एशिया में पाकिस्तान में ना। ये है ये अहमद का प्रोजेक्ट है, अहमद वालों का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है इधर भी कुछ बन नहीं रहा है, ये नई फैक्ट्री कोई बन रही है, अभी लॉन्चिंग हो रही है इंशाल्लाह। ये नहर होती थी बंद हो गई सिंध से इंडिया से आती थी, लेकिन अभी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लग रहा है रिलायबल से नहीं। ये पानी ये अहमद वालों की है, ये फौजी फौजी अहमद वालों की हेड ऑफिस है उनका। वो आगे भी एक डिपो लगा पड़ा है, कोई डिपो नहीं है यार, वो डिपो है, ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। अभी यहाँ पे भी आपको एक डिपो नजर आएगा, ये देखे ये डिपो लग गया है ये वाला। हाँ ये वाला ना डिपो काफी अब यहाँ पे लग गया है, एक डिपो है यहाँ पे। टूल प्लाजा आ गया, ये टूल प्लाजा यही तो आपको बताया था जिसके आपने 20 रुपीस दिए हैं।
आप क्या सब इजी ले रहे हैं पाकिस्तान साहिवाल से रोड आ रहे तो समझे यहाँ पे वो खुला था होता था वो कहानी है इंशाल्लाह आप अगले दो साल बाद आफ्टर आपने मुझे लगता है आप नेक्स्ट भी फोर इयर्स के बाद विजिट करना फार्म का क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपने जो ऊंट की कुर्बानी करनी है वो आप ही खुद अंजाम देंगे सर अंजाम हम तो उसको नहीं इस दफा तो हमने बैर की करनी है बकरे वहां से लाहौर में होंगे ये स्लो ही बहुत है वन ये मैनुअल है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता जी गाइस ये मेरा ना हमारा तकरीबन हम अपने इलाके में आ गए हैं ये है मेरे भाई ये किसका है कजन का है ना ये कजन का अच्छा ये है कजन का ये कजन का नहीं है अच्छा ये है कजन का जी मेरे ये सारी उनकी फ्रेंड्स हैं बाबा के भी कजन लगे मेरे भी कजन लगे आगे से तो ये सारा उनका आ रहा है ये उनका फार्म हाउस आ गया डेरा किसे हम कहते हैं ये हमारा यहाँ से जी हमारा हो गया स्टार्ट तो सारा यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया ये हमारा है सड़क इस तरफ भी हमारा है सड़क उस तरफ भी हमारा है ये आलू जी निकल रहा है ये सारा हमारा है गाइस हम अपनी जमीन हो अपनी डेरे पे पहुंचे ये हमारा पूरा डेरा है ये हमारा अभी आपको अंदर से भी विजिट करवाएंगे ये हमने गंदम लगाई हुई है बाकी हमने यानी कि सारी ठेके पे ज़मीन दी हुई है वो हमारा भट्ठा है छोटा भट्ठा है तो ये हमारा आलू निकल रहा है सारा अभी हम उतर रहे हैं ये हमारा सा चिप्सों वाला जी ये सारा लेस कंपनी उठाती है हमसे ये सारा हमारा चिप्सों वाला पेप्सी कंपनी उठाती है हमसे तो क्योंकि पेप्सी का ही लेस है तो ये सारा वो है ये सारा आलू शुगर फ्री आलू है सारा तो ये सारा शुगर फ्री आलू है किसे हम एक होता है वाइट होता है आलूओं के अंदर भी काफ़ी इकसाम आते हैं एक वाइट होता है एक सुरख होता है ये है शुगर फ्री वाइट आलू ये वाला ये हमारी गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे मेरी गाड़ी को ही कुर्बानी देनी पड़ती है ना देखो अब इससे साबित हो चुका है कि देखो इसे मैं तो कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेरे पे क्योंकि ये अब पुरानी हो गई ना तो उन्होंने घर वालों ने यही डेरे डूरे के लिए रख लिया है हालांकि 24-25 लाख की गाड़ी है लेकिन डेरे डूरों के लिए ये रख लिया ये भाई आलू चेक कर रहे हैं क्या एवरेज एवरेज निकल गया आलू के जी गाइस ये हमारा आलू निकल रहा है पूरा ये देख रहे ये वो लेबर्स लगी हुई है ये अभी भाई ये क्रॉस ले रहे हैं वर्कर की क्रॉस ले रहे हैं कि लेबर कम है तो उसकी वजह से ये सिर्फ इतनी सी लेबर लगी हुई है कि उस वजह से भाई इनके क्रॉस ले रहे हैं कि लेबर थोड़ी सी आपने ऊपर करना था जब पैसा हमने भेजा है तो फिर लेबर इतनी कम क्यों है वो अपने इंतराज दे रहे हैं जी 3-4 घरों की तो वैसे ही शादी थी वो आए नहीं ये जी हमारा आलू है आप भी देखें आलू किस तरह ये चुगते हैं और किस तरह आप उधर से जाके बस दुकान से कहते हैं 2 किलो आलू खा देंगे भाई ये थोड़ा सा धनिया भी डाल दे मिर्चे भी डाल दे ये आलू ऐसे नहीं करता ज़मीन के अंदर से वो ट्राला खराब है ट्रैक्टर खराब है उसके ऊपर ये यानी कि तोड़े आप इसके ऊपर रख जाएंगे जो ये वाला तोरा है ये मन का तोरा होता है ये नहीं स्टोर में जाता ठीक है तो ये स्टोर अगर हमने स्टोर करना हुआ क्योंकि हमारा तो अपना आलू नहीं होता हमारा तो पहले उनके साथ ठेका हो जाता होता है पेप्सी वालों के साथ तो उन्होंने ही यानी कि ये सारा आलू उठाना होता है हमने सिर्फ लगाना होता है थोड़ी सी करनी होती है ठीक है बाकी सारा आलू उनका ही है उनकी फैक्ट्री में कल या परसों जब आलू मुकम्मल हो जाएगा तो उन्हें हम कॉल कर देंगे तो वो अपने ट्राले वगैरह लेके आएंगे ट्राले वगैरह ला के तो वो जी सारा आलू उठा के ले जाएंगे अभी उनके आज गाड़ी आएगी वो हमें बोरियां दे के जाएंगी
क्योंकि ये जो गट्टे हैं ना, ये गट्टे हैं, ये है मन मन का गट्टा। तो ये गट्टा नहीं होता, बोड़ी होती है उसमें, वो इससे बहुत बड़ी होती है, यानी कि दो दो गट्टों में एक बोड़ी होती है, आई थिंक सो यही होता है, होता है 100 कुछ किलो की होती है वो बोड़ी। ठीक है, तो वो आज हमें दे के जाएंगे वो बोड़ियाँ, ये सारा आलू फिर उस बोरी के अंदर पैक होगा, साथ उनके एक दो, एक या दो बंदे होंगे, वो सारा आलू ये पैक करेंगे और साथ ऊपर से ये किस तरह हम देख रहे हैं सारे गट्टे रखे हुए हैं, ये वो रात को लेबर्स भेजेंगे, आज शाम को आ जाएगी पता नहीं, यानी कि आज या कल तक आ जाएंगे उनके गट्टे गुट्टे भी आ जाएंगे, यानी कि किसे हम बोरियाँ कहती हैं, तो बस वही उसके अंदर पैक करेंगे, वही ऊपर से यानी कि वो किसे हम कहते हैं सराई फेरेंगे, सराई फेर फूर के तो वो ये बस आलू, फिर जब सारा आलू ये मुकम्मल हो जाएगा, चुभ आ जाएगा, तो वो फिर बस अपनी गाड़ी लेके आएंगे, गाड़ी के अंदर रख के ये चला जाएगा पेप्सी की कंपनी में, उधर फिर आप जो मजे मजे से चिप्स खा रहे होते हो वो इस आलू का बनता होता है, ये है शुगर फ्री आलू, ये वाला जो ये वाला आलू है ये है शुगर फ्री आलू, इसके आप लोग चिप्स खाते होते हो। जी भाई, आपको मैंने आलू भी याद दिखा दिया, कल मैं आपको अपनी पूरी रैंक का यानी कि विजिट करवाऊंगा, ये हमारा डेरा है, ये हमारा डेरा है, वो जो आप दूर से कल आपको दूर से नजर आ रहा होगा वो है मेरे मामू का डेरा, वो भी मामू का डेरा है, वो भी मामू का डेरा है, यानी कि ये हम सारे अपनी ज़मीन ही है, वो जो है दूर से वो हमारा अपना, वो भी हमारा डेरा है हमारी, यानी कि अपनी ज़मीन, हमारी ज़मीन नहीं है ये सारी, तो उसके अंदर ही वो आ रहा है।